अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैं आपको मरीन बोट क्लब लेके आई हूँ, ठीक है। इसके अंदर मेंबरशिप के लिए ज़रूरी है कि आपके पास बोट हो। आपके पास बोट होगी तो आपको यहाँ की मेंबरशिप मिल जाएगी। तो यहाँ पर डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट किस्म की, किसी ने छोटी बोट ख़रीदी हुई है, किसी ने बड़ी बोट ख़रीदी हुई है। और ये इसका कैफेटेरिया है, बहुत ही ज़बरदस्त इसका खाना है। इवन मैंने नहीं देखा कराची में इससे अच्छी क्वालिटी का आपको इतना मज़ेदार फूड कहीं और मिले। बहुत ही ज़बरदस्त इनका खाना है, स्टैंडर्ड इनका बहुत अच्छा है। वॉशरूम्स इंतहाई खूबसूरत हैं, और इसके अलावा जो है प्ले एरिया है वो भी बहुत साफ़ सुथरा है। खाने का जो है सिस्टम वो भी बहुत ही ज़बरदस्त है, ठीक है। ये छोटा सा इन्होंने प्ले एरिया बनाया हुआ है, इसमें बच्चे खेल सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कि सारी शिप्स जो हैं वो बोट्स जो हैं वो पार्क की हुई हैं लोगों ने, ठीक है। इन बोट्स पे बैठ के आप डीप सी में जा सकते हैं। इसके अलावा जैसे दो दरिया है और डिफरेंट रेस्टोरेंट्स हैं उस तरफ भी आप बोट पर बैठ के जा सकते हैं, ठीक है। ये बहुत सारे लोगों ने अपनी कवर चढ़ा के रखी हुई हैं बोट्स, तो काफ़ी इसके मेंबर्स हैं, ठीक है। हम लोग भी फिर बोट पे बैठे और डीप सी में गए, और बहुत ही रिफ़्रेशिंग था, इंतहाई रिफ़्रेशिंग, बहुत मज़ेदार ये एक्सपीरियंस था। और अगर आप में से किसी को मौका मिले कराची आने का या विज़िट करें, तो ये जगह इज़ अ मस्ट विज़िट। इसको ज़रूर आप देखें आके। और इसके अंदर जो है डीप सी में जाकर, जो कि एक हवा लगती है और जो ठंड लगती है, और जो यानी कि एक ओपन एनवायरनमेंट में और जो फास्ट एक इसकी स्पीड होती है ना, तो उसमें जो मज़ा आता है वो आम आपको नहीं आएगा, ठीक है ना। और ये इसके अंदर फिर आपको नज़र भी आ रहे होते हैं रेस्टोरेंट्स वगैरह, डिफरेंट जगह आपको नज़र आ रही होती हैं, तो बहुत मज़े का एक्सपीरियंस है।